और कोलेस्ट्रॉल का तो हम गारंटी कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका एक महीने में कम हो सकता है, आप सुबह शाम 2 कप चाय पिए। तो ये चाय कोलेस्ट्रॉल भी घटाती है और ये हमने खास तौर पर तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तैयार किया जी। मतलब कोलेस्ट्रॉल तो शर्तियाँ कम करती है। हाँ जी, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो बैड कोलेस्ट्रॉल था 236, वो जो ट्राइग्लिसराइड था वो मेरा था 389। ट्राइग्लिसराइड 389? हाँ, 389 था। और आज मेरा एक महीने, मात्र एक महीने में मैंने 7 तारीख में दोबारा टेस्ट करवाया तो 128 है दोनों। अच्छा। हाँ, एक महीने में 2.5 किलो वजन कम है, खाने का कोई परहेज नहीं किया अलग से कोई। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है हर्बल चाय। बहुत से लोग चाय पीते हैं और चाय सेहत में नुकसान करती है, डॉक्टर भी मना करते हैं, कई लोगों को एसिडिटी बनाती है दूध वाली जो चाय अक्सर आमतौर पर हम पीते हैं। ऐसे में मेरे साथ बैठे किसान अमरजीत सिंह जी ने रिसर्च करके R&D करके एक ऐसी चाय तैयार की है जो सेहत में बहुत ज्यादा लाभ देती है। और खास बात यह है कि आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। सामने जो जड़ी बूटियां देख रहे हैं, इन्हीं हर्बल चीजों को मिलाकर के ये चाय तैयार होती है। इसमें ग्रीन टी भी है, टेस्ट भी चाय का आएगा, उससे ज्यादा आता है ये कहना है अमरजीत सिंह जी का। पूरा तरीका जरूर देखिए क्योंकि चाय का विकल्प भी है और चाय मसाला भी है। यदि दूध वाली चाय भी पीनी है तो उसको सेहतमंद बनाने का भी फॉर्मूला तैयार किया अमरजीत सिंह जी ने। ये ऐसे किसान है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ईमानदारी से चीजें, शुद्ध चीजें तैयार करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, जो शुद्ध चीजें तैयार करते हैं उन किसानों को निःशुल्क आपसे मिलवाते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छी चीजों को आपको पता चले। तो आज हर्बल चाय और चाय मसाला दोनों की विधि पूरी जरूर देखिए ताकि सेहतमंद चाय बनाने का फॉर्मूला पता चल सके। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरजीत जी, आपने जो हर्बल चाय तैयार की है, पहले तो ये बताइए कि इसका तैयार करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसके तैयार करने के पीछे का ये उद्देश्य है जी, आजकल सबको पता है कि डॉक्टर भी मना करते हैं और वैसे सबको जनरल नॉलेज हो गई है कि हमें दूध वाली चाय फायदे की बजाय नुकसान करती है। और लेकिन लोगों को लत लग चुकी है, इस चाय को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये एक ऐसा मसाला तैयार किया चाय का, हर्बल चाय के रूप में, कि हम इसको पी करके हमारी दूध वाली चाय की इसके अंदर फीलिंग आएगी और नुकसान की बजाय ये अपनी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा करेगी जी। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ये 1 कप पानी के अंदर मात्र 1 ग्राम मसाला लगेगा और देसी खांड या गुड़ से हम इसको मीठा कर सकते हैं जी। और सिर्फ उबालना है और छान के पी लेना है। इसमें बनाना बिल्कुल आसान, पीने में बड़ी टेस्टी है जी, और साथ में सेहत में बहुत फायदेमंद है। आपने बताया कि सेहत में बहुत फायदेमंद है, तो मैं सामने जो देख रहा हूँ इसमें ये जड़ी बूटियाँ हैं, मसाले हैं, तो ये कौन कौन से मसाले डलते हैं और कैसे फायदा देती है, जरा बताइए दर्शक। ये देखिए आपके सामने है, एक तो ये हमारी जो ग्रीन टी की पत्तियाँ हैं जी, सीधी ग्रीन टी की पत्तियाँ सूखी हुई, ये हमारी पुदीना की पत्ती है, ये काली तुलसी की पत्ती है, ये अर्जुन छाल है, ये श्रीलंगल दालचीनी है, ये छोटी इलायची है, ये सौंफ है और ये सौंठ है। और एक बात और कुलदीप जी, आमतौर पर हमारे सभी घरों में हम देखते हैं कि ये दालचीनी देखते हैं जो कि हम रेगुलर यूज नहीं कर सकते, इसको ये हमारी गर्मी पैदा करती है। तो ये जो दालचीनी श्रीलंगन दो दालचीनी है, इसको हम रेगुलर परमानेंट यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये दालचीनी यूज करते हैं इस मसाले के अंदर इसकी बजाय। ये दालचीनी लगातार प्रयोग नहीं की जा सकती, गर्मी करती है, पर ये दालचीनी और भी डॉक्टर्स ने बताया कि ये बेहतरीन होती है, शायद रेट में भी फर्क है इनका। हाँ, रेट में डबल से भी ज्यादा फर्क होता है जी। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी बता रहे हैं कि इस चाय को तैयार करने में बिल्कुल देसी मसाले और देसी जड़ी बूटियां प्रयोग हुई है, कोई भी बाहर की ऐसी चीज नहीं है, केवल ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी भी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बताते हैं। ये ग्रीन टी है आसाम से मंगवाते हैं, शुद्ध ग्रीन टी। उसके अलावा फिर आपने बताया तुलसी है, पुदीना पत्ती है जी। ये देखिए, सूखी हुई तुलसी के पत्ते लेने हैं, ये पुदीना के पत्ते लेने हैं, ये दालचीनी है, ये छोटी इलायची है, ये सौंफ है, ये अदरक है, सूखी हुई अदरक, इसे सौंठ भी बोलते हैं, सूखी हुई अदरक को सौंठ बोलते हैं, और ये अर्जुन छाल है, इसमें आप देख रहे हैं 8 चीजें मिलाकर ये बनाया गया मसाला। अब इनसे ये जान लेते हैं कि कितनी कितनी चीजें मिलानी है ताकि आप घर पर भी तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अगर आप घर पे तैयार करना चाहें तो ये मसाला हमने बता दिया है, ये सभी मसाले हमने समान मात्रा में ले रखे हैं जी, कोई भी ऊपर नीचे नहीं लेना है। अगर आपको 100 ग्राम लेना है तो इस 8 की 8 आइटम 100 ग्राम ही लेनी है। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी बता रहे हैं, 8 चीजें लेनी है और इसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं। अमरजीत जी, आपने पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी, तो क्या फायदा देती है और लोग लेते हैं, ट्रायल भी किया है आपने, क्या फायदा देती है? फायदा तो इसमें देखो, सबसे पहले तो ये जो दालचीनी है ना, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते, देख सकते हैं किसी भी तरह, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अर्जुन छाल है, ये हमारे दिल को मजबूत करती है जी, दिल की सभी बीमारियों में ये काम आती है। तुलसी के पत्ते हैं, ये आप सबने पढ़ा है कि तुलसी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। इसी प्रकार के ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सभी जो जड़ी बूटियां हैं,
इनके अंदर कुछ हमारे ये टेस्ट बनाती हैं इसका, इलायची वगैरह सौंफ सौंठ सब में मतलब कुछ ना कुछ फायदे है जी, इसमें नुकसान वाली कोई भी चीज़ नहीं जो कि अपनी सेहत को नुकसान करे। और कोलेस्ट्रॉल का तो हम गारंटी कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका एक महीने में कम हो सकता है आप सुबह शाम दो कप चाय पिए। तो ये चाय कोलेस्ट्रॉल भी घटाती है और ये हमने खास तौर पर तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तैयार की है जी, मतलब कोलेस्ट्रॉल तो शर्तियाँ कम करती है और बाकी फायदे करती है, नुकसान इसका कोई नहीं है। हाँ, अगर हम पियेंगे ना तो हमारी दूध वाली चाय पे हम पीते ही हमारी जी पे सफेद सफेद पपड़ी सी जम जाती है, अगर वो दूध वाली चाय के ऊपर भी अगर चाय पी लेते हैं तो हमारा मुंह तुरंत साफ हो जाएगा जी। ये बात इन्होंने बहुत बढ़िया बताई कि आप जब भी दूध की चाय पीते हैं तो ज्यादातर लोगों के जीभ पे वो व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाती है। इनका अनुभव ये है कि ये चाय पीने के बाद अगर लेयर है तो वो भी हट जाएगी और वैसे भी क्लीन करती है, मतलब ये इनर सिस्टम को भी क्लीन करती है और इम्यूनिटी बूस्टर है और कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। अमरजीत जी, कई लोगों को ये है कि जो चाय वैसी वाली पीते हैं, नॉर्मल चाय पीते हैं दूध वाली, वो एडिक्शन हो जाता है उनको, मतलब छूटती नहीं, क्या ये चाय उसका विकल्प हो सकती है उस एडिक्शन? ये उसका 100% विकल्प है जी। आप एक चाय पियो, ये पी के देख लो आप, आपको दूसरी चाय पीने का मन ही नहीं करेगा जी। इसमें टेस्ट है और अपनी जो तलब होती है ना चाय पीने की वो खत्म करती है ये तुरंत, अपने को लगेगा ही नहीं कि हमने चाय नहीं पी। आप जितनी बार भी चाय पियो ये चाय पी सकते हो, मतलब वो चाय का जो आदत है एडिक्शन है वो छूट सकती है, 100% छूट सकती है जी। मेरी माँ ना 70 साल की है, उनकी छूट गई, 70 साल से पी रही थी, वो आज ये चाय पीती है सुबह उठ के। अच्छा, मतलब आपकी माता जी भी वो नॉर्मल चाय छोड़ करके इस पे आ गई, ये पीती है, पीने में टेस्टी है जी। समस्या क्या होती है कि आदत हो जाती है, जो नॉर्मल चाय दूध वाली पीते हैं ज्यादातर लोग, एडिक्शन हो जाता है। अब उस एडिक्शन को भी दूर करती है और वही टेस्ट देती है, ये इनका अनुभव है। ऐसे में अगर सेहत में दिक्कत देने वाली चाय को छोड़ना आसान हो तो फिर ये चाय जरूर पीनी चाहिए। अब सवाल ये है कि कई लोग घर पर तैयार नहीं कर पाते हैं, कई चीज़ें नहीं जुटा पाते हैं, तो ऐसे में अमरजीत जी ये हर्बल चाय तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप इनसे बात करके ये चाय भी मंगवा सकते हैं। अमरजीत जी, चाय की तो बात हो गई, आपने बताया सेहतमंद चाय है, अब ये चाय मसाला भी आपने तैयार किया है, ये इसमें क्या डाला है? इसमें कुलदीप जी सेम यही चीजें हैं, सिर्फ एक ये ग्रीन चाय की जो पत्तियां हैं ये नहीं है, ये हमारे जो लोग पहले तो हमने यही तैयार किया था जी, जी। जो अपनी दूध वाली चाय को अच्छा बनाने के लिए, स्वादिष्ट और उसको सेहतमंद बनाने के लिए हमने ये मसाला तैयार किया था। उसके बाद क्या कि हम जो घर पे चाय बनाते हैं उसमें चाय पत्तियां तो डालते ही हैं, तो इसलिए हमने इसमें से ये एक आइटम हटा दी है जी। ये ग्रीन टी लीफ भी हटा दी, बाकी ये आइटम है, आप घर पे बनाना चाहो तो ये 7 आइटम बच गई है, ये बराबर मात्रा में ले सकते हैं। और आप हम दूध वाली जो चाय पीते हैं ना उसको भी सेहतमंद बना देगा जी, नुकसान के बजाय। अच्छा, मतलब ऐसे में कोई दूध वाली चाय नहीं भी छोड़ना चाहता, फिर भी नहीं छोड़ना चाहता इसके बाद, तो फिर उसमें ये चाय मसाला, ये चाय मसाला डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ ग्रीन जो टी की पत्तियां हैं ये इसमें इस्तेमाल नहीं की है, आप घर पे बनाना चाहो तो ये बराबर मात्रा में 7 आइटम लेकर के घर पे बना सकते हो। तो चाय फिर चाय मसाला तैयार हो जाता है, ग्रीन टी लीफ जो है ये सिर्फ हटाने हैं, और नहीं तो फिर ये संपूर्ण चाय ये हर्बल चाय हो जाती है, हर्बल चाय हो जाएगी ग्रीन टी मिलाने के बाद। और इसको लेने का तरीका आपने बताया, हर्बल चाय को 1 ग्राम एक कप में, एक कप में अगर कोलेस्ट्रॉल किसको बहुत ज्यादा है, 300 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल गया हुआ है, तो सुबह की जो चाय होती है उसमें एक नींबू डाल सकता है, उससे आपका एक महीने में 300 से ऊपर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका 150-170 के आसपास आ जाएगा। मतलब इसी चाय में नींबू और डाल ले। हाँ। खुद का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, लेकिन आज कोलेस्ट्रॉल इनका कितना है और कैसे घटा ये भी जान लेते हैं। आपका कितना कोलेस्ट्रॉल था? मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो बैड कोलेस्ट्रॉल था 236, और जो ट्राइग्लिसराइड था वो मेरा था 389, ट्राइग्लिसराइड 389 था। और आज मेरा एक महीने, मात्र एक महीने में, मैंने 7 तारीख में दोबारा टेस्ट करवाया तो 128 है दोनों। अच्छा। हाँ, एक महीने में, लेकिन मैंने 2 बार चाय पीता था, एक सुबह खाली पेट, एक शाम को 3-4 बजे, दोनों में मैं नींबू डालता था, एक सुबह वाली में एक शाम वाली में, तो मात्र एक महीने में मेरा एक कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है। वेट में भी कुछ लॉस हुआ? हाँ, वेट में भी लॉस है, एक महीने में 2.5 किलो वजन कम है, खाने का कोई परहेज नहीं किया अलग से कोई, मतलब बिना कुछ छोड़े हुए। हाँ, सिर्फ चाय पी है। हाँ, और अपना रूटीन से इसमें वेट में भी लॉस हुआ है। और लोगों को आपने दी, उनके क्या अनुभव है? ये मैंने मेरे आसपास के मित्रों को दी है, 10-15 लोगों को, सबके अच्छा रिजल्ट है, सबका ये रिव्यू आया कि हमने चाय बंद ही कर दी दूध वाली पीनी, अब ये पी रहे हैं वो, और ये सस्ती भी पड़ती है, उससे महंगी नहीं है इसके, क्योंकि इसका खर्चा कम है, ये मतलब उस चाय से सस्ती ही पड़ेगी, उसमें दूध भी नहीं डालना जी आपको। मात्र 1 ग्राम ही मसाला लगना है, तो आप ये हिसाब लगाओगे तो एक कप चाय सस्ती पड़ती है जी। तो दोस्तों, सुना आपने कि हर्बल टी बेहतरीन विकल्प है साधारण चाय का, और चाय मसाला भी है। अब सवाल ये आता है कि आपको मिलेगी कैसे,
यदि आप ये घर पर नहीं बना सकते हैं तो अमरजीत सिंह जी ये लोगों को पहुंचाते हैं और ये मसाला तैयार करके देते हैं। पर खास बात यह है कि जो चीजें आपको दिखाई गई हैं वही चीजें ईमानदारी के साथ इसमें आपको मिलेंगी। बेहद ईमानदारी से काम करते हैं, जैसा आप जानते हैं ऐसे लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं ताकि शुद्ध चीजें तैयार करने वाले लोगों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। तो ये चाय, हर्बल चाय और हर्बल चाय मसाला दोनों आप इनसे ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा और आगे आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से ताकि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके जिसमें शुद्ध चीजें तैयार करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है और आपको शुद्ध चीजें मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।